अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मैं फिर से आ गई हूँ आपको तंग करने के लिए। तो आज की ये वीडियो जो है ये कुछ खास ही है, ये व्लॉग जो है ये वाला, तो इसके बारे में बात करते हैं, वक्त को ज़ाया नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि आपको अपना ड्रेस दिखा दूं जो मैंने पहना हुआ है, क्योंकि शायद किसी का दिल कर जाए देखने के लिए। तो ये मैं आपको बता दूं, मैंने जे डॉट से लिया था और ये बहुत ही खूबसूरत सा टू पीस था। दुपट्टा जो है वो मैंने अलग से कॉन्ट्रास्ट किया है, लेकिन अगर आपने इस तरह के जो इसके बाजू, यार बहुत ही मज़े के, आप इस तरह के बाजू ज़रूर बनवाइएगा जी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने लगी हूँ कि मैं कौन सा डेली मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। तो ये बताने से पहले मैं आपसे पूछूंगी कि अभी आपको मेरी स्किन जो है वो कैसी लग रही है, क्योंकि वो मॉइस्चराइज़र मुझे काफ़ी दिन हो गए यूज़ करते हुए, मंथ तो हो ही गया है तकरीबन। तो मैं अब उसकी अपडेट आपको दूंगी और साथ बताऊंगी कि आपको वो लेना चाहिए, वो बेस्ट है या नहीं है। तो छोटा सा ये व्लॉग है, वीडियो है, जो भी कह लो यार। तो लेकिन वो बताने से पहले आप लोग मुझे बताएं कि मेरी स्किन आपको इस वक्त कैसी लग रही है। तो चलो मैं आपको डे लाइट में दिखाती हूँ, यहाँ पर तो इतना अच्छा नज़र नहीं आएगा। हाँ जी, तो ऐसी मेरी कुछ स्किन की कंडीशन है दोनों साइड से देख लें। और ये नेक पर भी मैं वो वाली क्रीम यूज़ कर रही हूँ आजकल तो, लेकिन नेक पर मेरे पहले लाइंस होती थी काफ़ी, लेकिन अब जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गई। तो मैं अभी आपको शो भी करवाती हूँ जिस तरह से ये अब आप देख रहे हैं ना, अभी है, नज़र आ रही होगी आपको। क्योंकि यार आपने लोशन तो कोई ना कोई डेली यूज़ करना ही होता, तो क्यों ना इस तरह का डेली मॉइस्चराइज़र ले लिया जाए जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हो। तो जी, डे लाइट में मैंने आपको अपनी स्किन इसलिए दिखाई है क्योंकि यहाँ पर इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा, रूम में सिर्फ एक ही लाइट चल रही है और इस रूम में है ही एक ही लाइट क्योंकि। और आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि मेरी स्किन इस वक्त आपको कैसी लगी, क्लियर लगी, ग्लोइंग लगी या नहीं लगी, क्योंकि मैं तो शीशे में देखती रहती हूँ लेकिन किसी से पूछने का अलग ही मज़ा है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और उतनी देर में मैं आपको मॉइस्चराइज़र दिखाती हूँ अपना, ठीक है। तो इस ड्रॉ में है, इसमें गंदी भरा हुआ है वैसे तो, अब मुझे देखना पड़ेगा। ये मॉइस्चराइज़र है, एक पड़ा हुआ, एक यहाँ, अच्छा ये ऊपर ही पड़ा हुआ था, मुझे मिल गया है। और इस दराज की हालत जो है वो देखने वाली नहीं है, बहुत गंद मंद भरा हुआ है। ये पता नहीं आजकल मेरे बालों को क्या हो रहा है, कोई एक आधी छोटी सी लट जो है ना वो बाहर आ जाती है, कहती है भाई हमने तो बाहर लहराना है। तो चलो मैं आपको अपना मॉइस्चराइज़र दिखाती हूँ। तो ये है वो मॉइस्चराइज़र जो कि आजकल तो नहीं, मतलब कि काफ़ी दिनों से मैं यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पर लाइट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मेरे फेस पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही है मुझे, मैं बहुत बुरी लग रही हूँ इस वक्त, डे लाइट में सही लग रही थी। अच्छा, इसका नाम है डर्मीव या डर्मीवी, जो भी इसका नाम है। और ये जो है आपको इस वक्त कैमरे में पता नहीं सीधा नज़र आ रहा है कि उल्टा, और ये वाला ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें SPF 20 है, लाइक दिस, ये आपको नज़र आ रहा होगा SPF 20 है। इसमें हाइलुरोनिक एसिड है डेली यूज़ के लिए, जो कि स्किन के लिए बहुत अच्छा है। सिरामाइड्स हैं जो कि स्किन के लिए डेली यूज़ के लिए बहुत अच्छे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये लें, लेकिन अगर आपकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई है तो इसमें, ये तो ऑयल फ्री है, इसमें ऑयली भी आता है, ठीक है, तो आप वो लेंगे। ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए है, सेंसिटिव स्किन वालों के लिए है, लेकिन एक्स्ट्रा ड्राई वालों के लिए विद ऑयल वाला है। तो वो आपको कहने के लिए किसी भी फार्मेसी से मिल जाता है, मैंने ये जो केयर फार्मेसी वगैरह होती हैं वहाँ से लिया था और मुझे ये मिला है। मेरे सिटी में इसकी प्राइस है, मुझे आई थिंक 700 के अराउंड अबाउट मिला है, 698-97 ऐसी कुछ था ये, ठीक है। और अब मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ जो कि बहुत बहुत लाइट वेट है। और अच्छा मुझे ये इसलिए लगता है कि इसमें एक तो हाइलुरोनिक एसिड है जो कि आजकल काफ़ी फेमस हुआ है, कहते हैं कि स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, और एक इसमें जी डेली यूज़ के लिए SPF है जो कि इनडोर्स के लिए काफ़ी बेहतर रहता है। ये आपको डेली मॉइस्चराइज़र ये वाला यूज़ करना चाहिए, लेकिन बाहर जाने के लिए अगर इसमें SPF भी है तो ये वाला नहीं, आपको अलग से सनब्लॉक लेना चाहिए बाहर जाने के लिए। जो सनब्लॉक की क्वांटिटी है, SPF की सॉरी क्वांटिटी है, वो होनी चाहिए 60, ठीक है, इससे कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, लेकिन इससे कम मैं तो नहीं कहूँगी आपको, क्योंकि मैं खुद 60 ही यूज़ करती हूँ।
तो अब मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ जो कि काफी लाइट वेट है। जी तो ये इसका टेक्सचर है जो कि मैंने बहुत थोड़ा सा लिया है क्योंकि चीज पैसों की ही आती है और मैं इस वक्त इसे जाया नहीं करना चाहती। अच्छा ये इसका टेक्सचर है जो कि काफी बहुत ये लाइट वेट है, नॉन ग्रीसी है, इसके ऊपर लिखा है। एंड इसकी एक और बात, ये इतना अच्छा है कि ये इसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि ये ऑल ड्राई स्किन डिसऑर्डर्स के लिए है, मतलब स्किन पर जो भी आपकी खराबियां होती हैं, रैशेस होते हैं, रेडनेस होती है, आपको इचिंग होती है, ये उस सबको खत्म कर देता है। तो ये बाय करो, अच्छी चीज है। और ये वाला जो ये मैं जाया नहीं करूंगी, इसको मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया, नेक पर भी लाइंस हैं मेरी, अभी काफी हद तक चली गई हैं लेकिन अभी कुछ कुछ हैं। जी तो इस व्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं क्योंकि मेरा रोजा भी है। आपने रखा है क्या? मैंने तो शुक्र है इस बार रख रही हूँ, वैसे मैं बहुत कम रखती हूँ जो कि बहुत बुरी बात है, और ऐसे बुरी बात है। अच्छा तो मेरा रोजा भी है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।